हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शर्मा जी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं डेली सुबह, दोपहर और शाम में, पहले सिर्फ सुबह में कम्युनिटी टैब पर कुछ क्वेश्चंस करता था, वहाँ पे पूछता था। उसके साथ आपको वोट करना होता था उस क्वेश्चन के सही आंसर का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने उसको वोट किया है। चलिए, आज उसका रिजल्ट है, देखते हैं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बात किया था अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर था वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको 67% लोगों ने सही आंसर दिया था। कुछ लोगों ने मीथेन इसका आंसर दे दिया है, जो कि गलत आंसर है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया सही से पढ़िए और पूर्ण रूप से तैयारी करिए, ठीक है। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम, 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने पूछा था कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको 80% लोगों ने वोट किया था। और कुछ लोगों ने इसको जो है -20 डिग्री वाले बर्फ को भी कर दिया था 20% लोगों ने, तो जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा कठोर है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दो टॉपिक मिलेगा, धातु और कठोर, ज़्यादा कठोर यानी कि थोड़ा सा हैवी। तो कुछ 20% लोगों ने इसको जो है आंसर दे दिया था सोडियम, जो कि गलत है भाई। किस प्रकार से सोडियम, सोडियम तो हम चाकू से काट लेते हैं, तो सोडियम किस प्रकार से हमारा जो कठोर धातु होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो है लोहा, जिन्होंने आंसर दिया था लोग 60% ने, तो लोहा इज राइट आंसर। कुछ लोगों ने हीरा आंसर दे दिया था, तो हीरा एक अकार्बनिक तत्व है जो अधातु के फॉर्म में पाया जाता है। तो हीरा एक, अगर यहाँ पे अधातु रहता तब ये पे आंसर हीरा सही रहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इनमें से कौन सी रंग आंखों के लिए सुग्राही होता है, मानी कि अच्छा होता है। तो इसका जो आंसर होगा 86% लोगों ने सही दिया है हरा रंग। लाल रंग नहीं हो सकता है, हरा रंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही प्रोटॉन होते हैं। तभी तो इसका मास और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, 1 और 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सी है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम, ठीक है। कुछ लोगों ने फास्फोरस आंसर दिया है, तो फास्फोरस जो है इसके नीचे टर्म पर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है हमारा, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको 75% वोट मिले हैं और सही भी है, इसको NaCl बोलते हैं। बढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऑप्शन चूज कर दिया है, कम से कम 25% लोगों ने, जो कि गलत आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी अधातु पिघली अवस्था में पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन है वो 100% यहाँ पे आया हुआ है वोट। ब्रोमीन है एक ऐसी अधातु है जो कि पिघली अवस्था में पाई जाती है। मुझे लगा कि पारा लोग मारेंगे, क्योंकि पारा एक धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी धातु जो है वो हल्की धातु है। तो इसमें सोडियम भी 29% आया हुआ है वोट, कैल्शियम भी आया हुआ है 14% वोट, हाइड्रोजन भी आया हुआ है 43% वोट, लिथियम आया हुआ है 14% वोट। तो मैंने पूछा है धातु तत्व, यहाँ आप देख सकते हैं धातु तत्व। अगर सिर्फ तत्व की बात रहती तो हाइड्रोजन सही था, लेकिन जब धातु तत्व की बात आ गई तो लिथियम सही होगा, जिसका 14% लोगों ने मात्र आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब नहीं है। जैसे जैसे आप कम्युनिटी टैब खोलिएगा, आप लोगों को डेली 3 बार सुबह, दोपहर, शाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आप सभी के लिए साइंस की, MCQ क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, और आप लोग जो है ऑनलाइन तैयारी करना शुरू भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।